जो मैंने अपने भाषण में कहा उन बातों को अभी भी छुआ नहीं गया है। और इसके दौरान नेता सदन ने हमारे चाचा की बहुत चिंता की। अभी तक तो मेरे चाचा थे, लेकिन अब तो नेता सदन भी उन्हें चाचा बोल रहे हैं। और जो जो स्पष्टीकरण जो आंकड़े अध्यक्ष जी दिए गए हैं कोविड चाचा के बारे में स्पष्टीकरण मत पूछे कि किसके हैं। मैं उसी में पूछ रहा हूं, उसी में पूछ रहा हूं मैं। अध्यक्ष महोदय, अभी कोरोना को लेकर के अध्यक्ष जी आंकड़े दिए गए मुझे, लेकिन नेता सदन ने एक आंकड़ा नहीं दिया कि जिस समय कोरोना सबको हो रहा था, नेता सदन को भी हुआ, कोरोना मुझे भी हुआ, मैंने टीका नहीं लगवाया लेकिन उन्होंने वैक्सीन लगवाया उसके बाद भी हो गगया। कुछ स्पष्टीकरण ले लीजिए, ये डिबेट नहीं है, कुछ स्पष्टीकरण ले लीजिए प्लीज। और फिर सवाल ये है जी, मैंने बीजेपी का वैक्सीन क्यों कहा? दुनिया इस वैश्विक महामारी की चपेट में आ गई, हर जगह वैक्सीन लगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जी का देख लीजिए, उन्होंने सर्टिफिकेट में तस्वीर नहीं लगाई। यूरोप में किसी भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर नहीं लगी। हमारे पड़ोसी देश वो तो वहां लगी ना, यहाँ से संबंधित में नहीं लगी। नहीं नहीं, आप बात वहीं पर है। नहीं नहीं नहीं, बात वहीं पर है। अगर कोई एकादश स्पष्टीकरण पूछना है तो नेता प्रतिपक्ष को अधिकार है, नेता प्रतिपक्ष को अधिकार है भाषण देने का, उसके ऊपर भाषण के ऊपर भाषण नहीं हो सकता। हमारे हमारे देश में तस्वीर लगी और मैंने वो तो फिर वो देंगे जो नेवर एंडिंग, कई मौकों पर मैंने कहा ये तो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। मैं स्पेसिफिक मांगूंगा, बहुत स्पेसिफिक बोलूंगा प्लीज। हाँ। अध्यक्ष महोदय, बहुत स्पेसिफिक कहूंगा क्योंकि बहुत सारी बातें कही हैं जो सदन के सामने आनी चाहिए, संज्ञान में आनी चाहिए। तो अगर सर्टिफिकेट में तस्वीर नहीं लगी होती तो शायद सबसे पहले मैं खड़ा होकर के वैक्सीन लगवा लेता।